नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें छोटी छोटी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आपके सिलाई के काम को थोड़ा सा आसान कर देंगी। ये है एक टेप, और अब आप कहोगे कि टेप का यूज सिलाई में कहाँ हो सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं बताऊँ, इस टेप को कहते हैं रिविल सिविल टेप। बहुत ही पतला और बहुत ही थिन ये टेप होता है, डबल साइडेड टेप ये होता है, लेकिन जब आप इसे छुएंगे तो बिल्कुल हल्का सा देखिए ये टेप है। और इसका यूज दो बहुत अच्छी जगह पर होता है। पहला तो ये है कि कपड़ा अगर कहीं से कट गया है, फट गया है, या उसमें छेद हो गया है, जल गया है, तो उसको आपको रफू कराना पड़ता है, या आपको वहां पे कोई टांके वगैरह करने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सफाई से जो है वो जो है सही हो जाए, तो उसमें हम इस टेप का यूज करते हैं। अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप बिगनर्स हैं, आपको किनारे पे से कपड़े को मोड़ना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मोड़ के सिलाई चलानी पड़ती है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, आपने कोई भी जो तौलिया है, पुरानी तौलिया है, उसके किनारों को मोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोड़ के उसके ऊपर मशीन चलानी पड़ेगी। तो क्योंकि ये डबल साइडेड टेप है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कपड़े के बीच में रख के प्रेस कर सकते हैं, किनारों को मोड़ सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से जो है आपके साइड्स को जो है बंद कर देता है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे दो यूज हैं, यूज करके देखिएगा, और अगर आप सिलाई करते हैं तो इस टेप को अपने जो सामान है ना उसमें जरूर रखिए। ये क्या है, देखो मशीन में तो हम जब धागा डालते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा आइटम आता है जिससे आप मशीन में या सुई में धागा डाल सकते हो। लेकिन इससे क्या कर सकते हो, आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हो, चाहे बड़ी सुई हो, चाहे छोटी सुई हो, किसी भी तरीके की सुई हो। आगे इसमें बने हुए हैं यहाँ पे दो छेद, और आपको क्या करना पड़ता है, बस मशीन वो सॉरी सुई को इसमें जो है डालना पड़ता है, और यहां से दबाना पड़ता है, तो एक किनारे पे एक लूप निकल आता है जिसमें कि आपको धागे को फंसाना पड़ता है और उसे छोड़ देना पड़ता है। तो इसमें बहुत ही आराम से जो है सुई में आप धागा डाल सकते हो। अब देखिए बात आती है लाइनिंग की। मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अगर आपको कपड़े को मजबूती देनी है तो आप लाइनिंग लगाओ। तो देखो, एक तो होता है कि आप प्लास्टिक का यूज करते हो, जैसे आटा बैग वगैरह का यूज कर सकते हैं उसमें, लेकिन उससे बिल्कुल क्लीन जो है लुक नहीं आता है। तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग सिलाई करते हैं, इस तरह का बुकरम आता है, ये देखिए, इस बुकरम को लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए क्या होता है, जो ये बुकरम होता है ना, इससे भी पूरा एक जैसा बिल्कुल प्लेन नीट एंड क्लीन लुक नहीं आता है। ये बेसिकली शलवार वगैरह में या कॉलर्स वगैरह में इसको लगाने के लिए बुकरम का यूज किया जाता है। लेकिन कितना अच्छा हो कोई एक ऐसी लाइनिंग मिल जाए जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर चिपक जाए, तो ऐसा लगे कि बिल्कुल कपड़ा ही ये मोटा है, लगे ही ना कि इसके नीचे हमने लाइनिंग लगा रखी है। तो देखिए इस तरीके की एक लाइनिंग आती है जिसे कि प्रेस से चिपका लेते हैं। इसमें एक साइड इस तरह से प्लास्टिक की जो है एक फिल्म लगी रहती है, और दूसरे साइड जो है ये लाइनिंग होती है। थोड़ा सा ये मोटा होता है, फर्म होता है, और सिर्फ प्रेस से हम इसके ऊपर कपड़ा रख लीजिए और प्रेस चला दीजिए, और ये उसमें बिल्कुल कायदे से चिपक जाता है, और इससे बिल्कुल लगता ही नहीं कि कपड़ा पतला है। ऐसा लगता है जिस फैब्रिक में भी आप इसे लगाओगे, ये उसके संग इतनी अच्छी तरह से अटैच हो जाता है कि आपको लगता है कि वो फैब्रिक ही काफी अच्छा जो है थिक फैब्रिक है, कड़ा कड़ा सा फैब्रिक है, और उससे आप पर्स बैग वगैरह बना सकते हो, या आप नैपकिन्स बनाते हो, डाइनिंग टेबल के मैट्स बना सकते हो। मतलब बहुत सारे यूज हैं। मतलब कपड़े को अगर आपको थोड़ा सा कड़ा लुक देना है, कड़ा लुक देना है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देना है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये कपड़े के कपड़ा ही ऐसा है, तो ये कपड़े में इतने अच्छे तरीके से फैब्रिक में चिपक जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फैब्रिक में कुछ चिपकाया है। तो देखिए ये कपड़े में हमने चिपकाया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ये फैब्रिक के संग बिल्कुल अटैच होकर आया है, और इससे इस फैब्रिक में कितना कड़ापन आ गया देखिए। और अब हम बात करते हैं फोम की। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि मैं जब फोम शीट का इस्तेमाल करती हूँ
तो इस फोम शीट का मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप देखते हैं ना, बिल्कुल ये पतली सी होती है। और एक चीज मैं और बताऊं, ये जो है अपनी थिकनेस के हिसाब से आती है कि आपको कितनी ये थिक लेनी है, कितनी मोटी लेनी है। इसे कहूं कि इसे ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो बेडशीट्स वगैरह में तो ये अच्छी चलती है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा खींचते हैं तो ये टूट जाती है, फट जाती है। ये भी फोम शीट है और ये लेकिन पीछे से क्या होती है, इसमें जो है मजबूती देने के लिए एक जो है प्लास्टिक सी एक कवरिंग लगी हुई होती है, जिससे कि काफी मजबूत हो जाती है। तो अगर आप बैग बना रहे हैं या कोई एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे आपको बहुत रफ यूज करना है, तो आप इस फोम शीट की बजाय आप इस फोम शीट का यूज कर सकते हैं। और खासकर बैग वगैरह के लिए बहुत यूज होती है। बिल्कुल सिंपल वही फोम शीट है और थोड़ी सी जो है देखिए इस तरह से है, पीछे से बिल्कुल अलग इसका मटेरियल होता है। और एक और आती है फोम शीट, मैं आपको और बताऊं, जैसे बुकरम होता है शलवार वगैरह के नीचे जो होते हैं या हम शर्ट्स वगैरह में लगाते हैं, उसके लिए भी एक इस तरीके की शीट आती है। देखिए ये इस तरीके की एक शीट आती है आज। और इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके का जो बुकरम होता है ये थोड़ा सा धुलने के बाद श्रिंक होता है, लेकिन इसके साथ ये शिकायत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक प्लास्टिक समझ लीजिए, ये प्लास्टिक है और फैब्रिक कुछ उसका ही कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छी रहती है। तो आप बुकरम की बजाय अगर आप सिलते हैं सामान तो आप इसका यूज करिए। और ये एक ऐसी लाइनिंग है जिसे आप बैग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, अगर आप नैपकिन्स बना रहे हो, कोई भी डेकोरेशन का सामान बना रहे हो, जो कि आपको जिसे कहते हैं ना टेबल क्लॉथ वगैरह बना रहे हो, तो उसमें ये चीज बहुत अच्छी चलने वाली है। तो मैंने आपको जो है तीन तरीके की फोम शीट दिखाई है, एक तो बिल्कुल सिंपल ये वाली, एक है सेकंड जिसमें कि मैंने आपको दिखाया जिसमें पीछे की तरफ थोड़ी सी लाइनिंग मतलब प्लास्टिक का एक कवरिंग दे रखी है जिससे मजबूत हो गई, और तीसरा है ये ऑप्शन जो कि बुकरम का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैं दिखा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज जो कि काम आने वाली चीज है, और वो है सिक्योर स्टिच। ये 7 पीस की जो है एक किट आती है। अब इसमें जो ये 2 पीस होते हैं ना, ये तो बेसिकली जो है आपका कपड़ा खिसके नहीं, उसको लगाने के लिए होते हैं, क्लिप्स टाइप आप इनको समझ लीजिए। 2 पीस तो ये होते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये सॉल्यूशन है ना, इसको लगाने की एक ब्रश होती है ये, और ये 2 खाली बॉटल्स होती हैं जिन्हें कि आप ट्रेवल वगैरह में आप इनमें से कोई भी सॉल्यूशन फिल करके लेके जाना चाहें तो इन एम्प्टी बॉटल्स में लेके जा सकते। ये 5 पीस हो गए, और 6 और 7 पीस में है ये 2 बॉटल्स। अब आप कहोगे ये किस चीज की बॉटल्स हैं? फैब्रिक को अगर पेस्ट करना है, चिपकाना है आपस में, और मजबूती से चिपकाना है, और उतनी ही मजबूती से कि ऐसा लगे जैसे कि सिलाई हो रही हो, उसके लिए हम इन सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अगर आपको पेस्ट करना है डेनिम, लेदर या कॉटन, तो आप इस सॉल्यूशन का यूज करिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जैसे आपको नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, उस टाइप के फैब्रिक यूज करने हैं, तो आप इस ग्लू का यूज करेंगे। तो देखो है क्या, जब मैं आपको एक सलाह दूं इसमें, अगर आप यूज करते हो इनको, तो ना इनको इनकी छोटी बॉटल्स में आप निकाल लो और फिर इन्हें अप्लाई करो, वो ज्यादा अच्छा है। अब देखो है क्या, जीन्स है ना, उनकी जो है पॉकेट फट गई, अब उसपे इतनी मोटी हो जाती है वो जगह कि आप उसपे मशीन से सिलाई नहीं कर पाते हो, है ना। या फिर आप देखिए आपकी कोई भी जगह से सिलाई उधड़ गई, निकल गई, तो आप उन जगह पे इसका यूज कर सकते हो। इसे लगाने के बाद 5 मिनट तक आप अच्छे तरीके से प्रेस करके दबा के छोड़ दीजिए, और 24 आवर्स बाद आप वॉश करिए उन्हें, ड्राई कुछ भी करिए, मतलब आप उसे वो बिल्कुल भी खुलती नहीं है, मतलब जो आप चिपका देते हो ना, इससे आप इसे अपनी सिलाई में भी यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली सिलाई में यूज नहीं करती हूँ, मैं तो इसका यूज इसलिए करती हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको पेस्ट करनी है, खासकर जब वो फट गई है तब के लिए, या जल्दी में हम बहुत ही अच्छे कुछ कुशन्स वगैरह बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कुशन्स वगैरह बना रहे हैं और उसपे हमें कुछ पॉम्पॉम वगैरह मतलब लगाने हैं, कुछ लेस लगानी है, तो आप उसके लिए ना आप इसका यूज करो। जैसे कई जगह क्या होता है ना, आपको बहुत क्लीन लेस लगानी है, बिल्कुल सफाई से लेस लगानी है, लेकिन मशीन से वहां पे लेस नहीं लग पा रही है, तो आप इस जो है फॉर्मूला का यूज करो और उसे जो है पेस्ट कर लो। और जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, जैसे कोई भी आप वॉल हैंगिंग बना रहे हो और उसमें लेस वगैरह लगा रहे हो, या उसमें आप कुछ पेस्ट कर रहे हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। आपने मेरे कर्टेंस देखे थे जिसमें मैंने पैच जो थे ना, पैच जो मार्केट में मिलते हैं प्रेस से
जो चिपक जाते हैं, मैंने उनका यूज किया था। आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके के पैचेस को चिपकाने के लिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको कुछ बारीक काम करना है वहां पे, या कुछ फट गया है खासकर मोटा कपड़ा, आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। और एक जगह और आपको, क्योंकि इससे ना लेदर भी चिपक जाता है, आप लेदर की चीजें भी चिपका सकते हो। जैसे आप मार्केट से लेदर ले आओ, जहां पे सोफा वगैरह का फैब्रिक मिलता है वहां पे आपको लेदर मिल जाती है, कट पीस के टुकड़े मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे कुशन बना सकते हो। तो जब आप उनके कुशन कवर बनाओ, तो अब लेदर में सिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इस तरीके से इससे पेस्ट करके भी लेदर के कुशन बना सकते हो। और लेदर का अगर आपका सोफा है वो कहीं से अगर आपको चिपकाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, एक अच्छी चीज है ये। तो ये भी मेरी अपनी इस जो सिलाई का सामान होता है ना उसमें रहती है। देखिए नेक्स्ट चीज आती है, वो भी बहुत यूजफुल है, जो मेरी किट में हमेशा रहती है, और वो है वेलक्रो। तो वेलक्रो एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आपको अगर कोई भी दो चीजें चिपकानी हो तो आप वेलक्रो से चिपका सकते हो। इस तरह से मिलती है ये, आपने देखा होगा ना, ये शूज वगैरह में लगी रहती है। मैं इनका यूज बहुत करती हूँ, जैसे कोई भी कवर बनाना होता है तो उस कवर में आप इसके दोनों पार्ट को लगा लीजिए। तो वो कवर को आप जिस चीज में भी लगाते हो, तो एक तो अगर आपने किसी भी चीज का कवर बनाया, एक उस पे लगा दीजिए, एक कवर पे लगा दीजिए, तो जब आप उस पे कवर चढ़ाते हो तो वो हमेशा चिपका हुआ रहता है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला की मदद से भी इसको चिपका सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये तो सिलाई वाली है। एक वेलक्रो मैं आपको और बताती हूँ, वो आती है जिसमें कि लगा रहता है टेप। देखिए ये है एक वेलक्रो, इसमें पीछे लगा हुआ है टेप। तो जहां कहीं भी आपको इसे लगाना है, आप इसका ये वाला पीछे वाला जो ये पार्ट है इसे हटा के टेप की तरीके से इस वेलक्रो को लगा सकते हैं। बहुत इसका एडहेसिव जो होता है ना, जो चिपकाने वाला ये मटेरियल होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका यूज देखो कहाँ पे कर सकते हो आप, मैं आपको बताऊं, ये दो पीस में आती है जहां पे आपको सिलाई नहीं चलानी है और वहां पे आप इसको चिपका सकते हो। जैसे शूज वगैरह में लगा सकते हो, किसी कवर में भी अगर आपको सिलाई नहीं करनी है तो ये एक स्पेशल वेलक्रो है जो कि आपको देगी ये वाला, मतलब बिना सिलाई वाला काम, कि आप बिना सिलाई की मदद से इस वेलक्रो को चिपका सकते हो। तो ये दो ही पैक है, मतलब दो चाहिए होती ना चिपकाने के लिए, जैसे आपकी सिलने वाली वेलक्रो होती ना, इस तरह से दो आती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये दो आती हैं। एक को आप एक तरफ चिपका दीजिए, दूसरे को दूसरी तरफ चिपका दीजिए, फिर ये आपस में ऐड हो जाती हैं। वो जो इलास्टिक आती है वो जो है चौड़ाई के हिसाब से आती हैं, मतलब आपको कितने इंच की चौड़ी चाहिए। तो मैं हमेशा जो अपने पास रखती हूँ ये करीब 1 इंच और 0.5 इंच की जो होती है ना इलास्टिक, ये हमेशा अपने पास रहती हूँ। इसका पूरा बंडल मेरे पास रहता है, देखो पूरा खुल गया है। तो आप इलास्टिक जरूर रखिए, इलास्टिक बहुत चीजों में काम आती है। और इसे हमेशा अगर आप अपने पास रखेंगे तो जैसे आप कुशन कवर बना, सॉरी गद्दी के कवर बना रहे हैं, फिटेड बेडशीट बना रहे हैं, उन सब में इसका यूज होता है और काम आने वाली चीज है। और चौड़ाई के हिसाब से ये आपको मिलेगी। तो इलास्टिक जब कभी भी लें तो 1 इंच और 0.5 इंच वाली इलास्टिक ज्यादातर यूज होती है, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा चौड़ी अगर आप लेते हैं तो जैसे आप अगर ये सोचे कि हम उसे कट करके लगा लेंगे तो वो कट करके नहीं लगती है, उसके साइड में से ना काफी सारे उसके धागे वगैरह निकलने लगते हैं और वो उतनी मजबूत भी नहीं रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट चीज, और वो है चेन। तो देखिए जब कभी भी आप मार्केट में चेन लेने जाते हैं तो देखिए जिप लेने जाते हैं तो जिप के लिए आपको मिलती है पूरी इस तरीके की जिप, आपको जिप मिलेगी। और इसके दो जो हैं इस तरीके से देखिए दो हिस्से होते हैं, आप दोनों को सिलते हैं और इसके साथ साथ आपको मिलते हैं इस तरीके के रनर या जिपर। देखिए जिपर और रनर लगाना बहुत ही आसान होता है किसी भी जिप में। और आप क्या कर सकते हैं, पूरा बंडल ले लीजिए, मीटर के हिसाब से ये मिलती है और जो साइज आपको आप जिप का लेंगे, चेन का जिप का लेंगे या चेन का लेंगे, उसी के हिसाब से आपको रनर या जिपर लेने पड़ते हैं। और ना तो बड़ा लीजिए ना छोटा लीजिए, वो अपने हिसाब से ही आपको शॉपकीपर दे देते हैं। इसमें से आपको जितनी यूज करनी होती है आप कट करके उतनी यूज कर सकते हैं और उसमें जो है जिपर आप लगा सकते हो। बहुत ही आसान होता है जिपर लगाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो मैं तो ये काफी सारी रखती हूँ क्योंकि सिलाई करती रहती हूँ, तो इस तरीके से जो है मैंने काफी सारी रख रखी है। देखिए ये पूरी मैंने इकट्ठी लेकर आती हूँ, अलग अलग कलर्स में आती है, आपको जिस तरीके की ज्यादा जरूरत हो उस कलर में आप इसको ले सकते हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ एक और चीज जो बहुत ही काम आती है, मेरे तो बहुत काम आती है। जब हम कोई भी चीज बनाते हैं ना तो उसमें पैच लगाते हैं, तो कोई भी शेप हमें काटनी पड़ती है। देखो जैसे मैंने ये शेप काट रखी है छोटी छोटी पत्तियों की ना, ये इस तरह से बड़ी पत्तियां कट कर रखी हैं, छोटी पत्तियां कट कर रखी हैं, और इन्हें मैं डायरेक्टली किसी भी चीज पे लगा सकती हूँ। मतलब इसमें से ना तो साइड में से धागे निकलते हैं, ना हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है, और हम कोई भी शेप कट करके लगा लेते हैं। ये क्या है, ये है बेसिकली जूट का फैब्रिक, लेकिन ये जूट का ऐसा फैब्रिक है जिसके पीछे लगी हुई है एक लैमिनेटेड है, इसमें पॉलिथीन प्लास्टिक लैमिनेटेड है ऑलरेडी, तो जब आप कट करते हो ना तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और बहुत ही अच्छा इससे डिजाइन बन जाता है। इससे आप बैग्स वगैरह बना सकते हो, कोई भी आइटम जो भी आप बनाना चाहते हो, जैसे कोई कुशन कवर वगैरह बना सकते हो। ये मेरे पास 3 कलर में है और इसकी मैंने काफी सारी चीजें बना भी रखी हैं। एक बार मैंने फ्लावर वाला जो है राउंड कुशन कवर बनाया था, वो भी मैंने इसी से बनाया था। और कई बार क्या होता है, मैं छोटे छोटे जो DIY के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काट के इसको जो है पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज ना बहुत सारे कामों में आप यूज कर सकते हो। इसका सिंगल पीस भी मिलता है, आप सिंगल पीस भी ले सकते हो। जैसे आप अपनी अलमीरा के लिए एक जैसे कलर के अगर ऑर्गेनाइजर बना रहे हो तो आप उस पर गिफ्ट रैप पेपर लपेटते हो, तो गिफ्ट रैप पेपर की जगह आप इसको भी जो है लपेट सकते हो, तो सारे एक जैसे ना बहुत सुंदर लगेंगे। आप अगर प्लांटर बना रहे हो तो आप इससे प्लांटर के ऊपर लपेट सकते हो, क्योंकि ये पानी से बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर एक जो है डिटेल वीडियो भी बनाया था, अब याद नहीं है, अब मैं आपको सारा बता दे रही हूँ इसमें। तो ये था एक छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ एक वीडियो, तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि हमें सिलाई नहीं आती है या कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, या आप इस पर्टिकुलर काम को कैसे करते हो। तो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।